रानीगंज शहर के अशोका पेट्रोल पंप से होकर महावीर कोलियरी जाने वाले रास्ते का हाल बेहद खस्ता है। इस मार्ग से होकर महावीर कोलियरी, राजपाड़ा, ग्वालापाड़ा घनी आबादी वाले इलाकों में जाया जाता है। इतना ही नहीं, राजपाड़ा में ही शहर के अति प्रतिष्ठित क्लब स्पोर्ट्स असेंबली भी अवस्थित है। स्पोर्ट्स असेंबली में आए दिन शादी विवाह समारोह का आयोजन होता रहता है, यानी निम्न वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग से लेकर उच्च वर्ग, सभी के लिए अशोका पेट्रोल पंप से लेकर राजपाड़ा तक जाने वाले रास्ते बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले 3 महीने पूर्व वाटर पाइप लाइन बैठाने के लिए पक्की सड़क को खोदकर पाइप बैठाया गया था। पाइप का कार्य लगभग पूरा हो जाने के बाद भी सड़क की अवस्था गड्ढे तथा उबड़ खाबड़ में तब्दील हो गई है। 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सड़कों को उसी अवस्था में ही छोड़ दिया गया है, जिसे आए दिन लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें गड्ढे एवं उबड़ खाबड़ अवस्था में हो जाने के कारण दुर्घटना आम बात है। आसनसोल नगर निगम के अधीन 2 नंबर बोरो ऑफिस के कर्मचारियों ने सड़क की दुर्अवस्था देखकर भी पुनः पक्की सड़क का निर्माण करना तो दूर, उबड़ खाबड़ एवं गड्ढे में तब्दील सड़क को समतल करना भी जरूरी नहीं समझा। एक और जहां आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी वन मैन आर्मी की तरह नगर निगम इलाकों में चौतरफा विकास कार्य में लगे हुए हैं, उनकी शारीरिक अवस्था इन दिनों थोड़ी ढीली होने के बावजूद भी उनकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। दिन रात शिलान्यास एवं विकास मूलक कार्यों के उद्घाटन में लगे हुए हैं। वहीं केवल मात्र रानीगंज 2 नंबर बोरो ऑफिस के अनदेखी की वजह से रानीगंज के वासियों में असंतोष एवं खोप का संचार हो रहा है। रानीगंज 2 नंबर बोरो ऑफिस की चेयरपर्सन संगीता सारदा को इस विषय पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सड़कों की खराब अवस्था को लेकर रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली के वरिष्ठ सदस्य दिनेश दारुका ने कहा कि बारिश की मौसम आने को है और रास्ते की अवस्था इस तरह रही तो लोगों को समस्या होगी और साथ ही कभी भी कोई भी दुर्घटना भी घट सकती है। ये जो कनेक्टेड अशोका के बगल से जो रास्ता है वह विगत कई दिनों से बहुत ज्यादा ही खराब है। कुछ पाइप का काम वगैरह हो रहा है, ये तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो उसके बाद क्या है कि उसको ठीक नहीं कराया गया है। राय इतना ज्यादा उबड़ खाबड़ है कि आदमी गिरते रहते हैं मोटरसाइकिल से, साइकिल से, और अगर गाड़ी एक तरफ से अगर घुस गई है तो दूसरी तरफ से साइड करके निकलने का कोई बात नहीं था। हालांकि पहले बहुत ही अच्छा रास्ता था वह, फिर क्या है कि यह पाइप का रिनोवेशन या होने के कारण से फिर अभी अत्यधिक खराब हो गया है। तो सामने बारिश वगैरह अगर आ गई और तो इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। प्राय वहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। यह एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि उसको अच्छा से जल्दी उसको। वहीं इस बारे में बोरो चेयरपर्सन संगीता सारदा ने कहा कि निर्माण कार्य में विलम्ब हो रही है, इसके लिए वे क्षमा प्रार्थी हैं। साथ ही उन्होंने सड़क निर्माण का कार्य जल्द से जल्द आरंभ किया जाएगा इसका आश्वासन भी दिया। तो सामना जो रानीगंज वासियों को करना पड़ा उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं और आगे की कार्रवाई की गई है। रास्ता जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। एजेंसी अपना काम स्टार्ट कर चुका ऑलरेडी और डेवलपमेंट शुरू कर ये प्रोसेस था, उस प्रोसेस की वजह से हुआ। हर प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। पहले मिट्टी कटा, पाइप बिछा, फिर पानी का टेस्टिंग वगैरह करना था कि प्रेशर क्या है क्या नहीं, उसकी वजह से थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो गया और कोई वजह नहीं। उससे तो लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, दुर्घटना हो रही है। कुछ अच्छा करने के लिए कुछ थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सावधानी बरती है, मैं भी उसी रास्ते से आती हूँ। सावधानी बरती है, जान जैसा के बात नहीं है, जान जाने जैसा हम लोगों ने अभी नहीं कर रखा है। आपकी जान बचाना हमारा फर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।